नहीं कुछ नहीं मुझे नहीं जाना भाई बहुत मारूंगी पत्ता खेलता ये अब परफेक्ट फिटिंग है सही है ये पहले सीन की तैयारी कर प्यारा सारी शॉट सेटअप रेडी है अनम के पॉटी है गरम गरम वड़ा पाव बन रहा है मुस्कान दीदी बस आ गई मुस्कान भाई कैमरा लेके सामने बैठना मुस्कान कितना सा घर है कितना प्यारा सा गार्डन में बैठ के अभी मेरे मायके का सीन है मेरे घर से आलू किराया दे देना शुक्रिया एक मेरी रियल डॉटर नहीं लेकिन आपका मैं कट शॉट ले लूंगा यहीं पे और माँ वो अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर रहा है बेटा वो टट्टी करके दो नहीं पाता है पढ़ाई कैसे करे आप थोड़ा पूरा पूरा अंधेरा हो गया मतलब सोचो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ अब अगर हाज होपला है ठीक है तो लौकरस भेटो बहुत सारे काम किए हैं आपने बहुत सारे सीरियल्स में मम्मी मेरे शूट के लिए मार्केट से बहुत सारे कुर्ते लाई थी जो कि मुझे लूज थे तो मम्मी वो फिटिंग कर करके मैं ट्राई करके बता रही थी कि हाँ मम्मी ये अब परफेक्ट फिटिंग है गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और मैंने सामान नीचे के रख दिया है और मुस्कान ने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया कि नहीं अभी तक गुड मॉर्निंग एवरीवन नहीं व्लॉग स्टार्ट नहीं किया तो हम मम्मी सो रही है मम्मी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है और मम्मी भी लेट सोई थी मतलब हम सब लोग 2:30 बजे सोए थे और इतनी जल्दी मम्मी उठ के कैसे करती तो लेकिन भूख भी लगी थी हमने सोचा हमारी जिम्मेदारी कभी हमें भी ले लीजिए तो हम खुद ही अपने लिए नाश्ता बना रहे सच में मेरी कदर होगी अनजाने में गलती तो हर किसी से हो जाती है तो जैसे कि सबको पता है कि मुस्कान ने नाश्ता कर लिया है और हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लिया एक ढाबा पे ये है वो ढाबा तो ये ढाबा वाले अंकल ने स्कैम किया 10 मिनट बोल के आधा घंटा लगा दिया है हमारा आलू का पराठा आ गया बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है इब्राहिम भाई आलू का पराठा आ गया खाओ तो यहाँ पे हमने गाँव के लिए ये देखो टैम्बो रिसोर्ट भी अंदर ही है यहाँ पे हमने गाँव के लिए अंदर ले लिया है जल्दी जल्दी जो भी बाकी सारी मतलब पहले सीन की तैयारी करते हैं बहुत लेट हो गया ये है प्यारा सा रिसॉर्ट ये मिला है हमें छोटा सा रूम यहाँ पे एक है टीवी तो मैं अपने पहले आउटफिट के साथ रेडी हूँ क्योंकि हमारा पहला सीन जो है वो क्लाइमैक्स का सीन है मतलब जो शॉर्ट फिल्म का जो सबसे लास्ट सीन है वो हम पहले शूट कर रहे हैं तो ये है मेरा आउटफिट बट आई थिंक बैग वाइज सही नहीं जा रहा है तुम अपना काम करो ना मेरा क्या देख रहे हो नहीं क्योंकि वहाँ पे अभी अपने को टेस्ट लेने का है ना अच्छा तो फाइनली गाइस हम लोकेशन रिसोर्ट यहाँ पे ही है और बाजू में हमारा लोकेशन है डेबिन की वहाँ पर हम रिहर्सल कर रहे थे अभी कैमरा सब सेट हो गया है अभी हम यहाँ पर टेक लेंगे और ये सब वाइब देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गांव वाला फील आ रहा है मुझे बहुत पसंद है ऐसे तो यहाँ लग चुका है कैमरा 1 कैमरा 2 और स्क्रीन सेटअप रेडी है भाई कैसे निकलना है भाग के ठीक है हाँ? भाग के निकलना डॉक्टर का प्रेम तो देखो एक बार एक ले गए लेकिन मैं तुमको खाली बता रहा हूँ कि तुम लोग कैसे रहो और तुम ना बहुत वो लग रही हो फास्ट लग रही हो वो वापस लेते चलो एक्शन अनम मेरी बात अनम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो एक आखिरी बात सुन लो फिर चली जाना इस गांव के शैतान बच्चे जो बड़े होके होशियार बनते ए नाव का है तुझे अनुज तुझे नाव का है लुकेश अरे का चांगले नाव अरे चांगला नाव है तुझे ये मेरी सिमरन दीदी आ रही है देखो गाइस हमारे गांव में शूटिंग चालू है बंबई से आई हैं तो हीरो ये हीरो दिखाए हैं और ये तुम कहां हो तुम मर्द गलती करते कहाँ हो शराब पीना कोई गलती नहीं तो यहाँ से बिस्लरी वाटर ले लिए चलो मिस्टर स्टार्टिंग से मैं आपको देखूंगा ये भी स्टार्टिंग से आएंगे क्या कोई गलती नहीं शक करना कोई गलती नहीं और तलाक देना भी कोई गलती नहीं बदल चुका हूँ इधर बैठो थोड़ा आपको मैंने एडजस्ट कर दिया बाबू सारा खेलते रहे लोग के साथ ठीक है तलाक देना भी कोई गलती नहीं
तो हमारा मेन डायरेक्टर इधर बैठा हुआ है, बिस्किट खा रहा है। परफेक्ट चल रहा है ना शूट, मस्त ना। तू मेरी वीडियो बंद कर, घूम रही हो जिसे सच में मेरी कदर होगी। तो गाइस हमने छोटी बंगड़ी लेके आई थी, एक बंगड़ी नहीं मेरे ही साइज की है वो, ताकि वो यहाँ पर आके लॉक रहे, बट अभी वो सीन के लिए स्मूथ जानी चाहिए, वो स्मूथ नहीं जाएगी। तो सुप्रिया सबसे मांग रही है घर में, उसका फ्रेम लॉक रहेगा, ये तुम लोग का देख लो। हर घर ट्राई कर रही है बैंगन बैंगन। ये अपने बच्चों के लिए सबको जगह बना रही है, ये माँ होती है। हाँ ये माँ होती है, माँ और मांग चुकी उस चीज के। ये अनम के पॉटी है, पॉटी पॉटी पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉटी। क्या हुआ इब्राहिम भाई, चलो स्टार्ट करो, चलो उठो मार, तुम बताओ, तुम लोग बताओ। ये लाइट का कोई जरूरत नहीं है ना, दानिश आजा, दोनों को माइक दे। अरुष भाई गाड़ी खाली करो ना। तो हम निकल चुके हैं श्री और अनु वाले डायलॉग के लिए, तो अभी हम गाड़ी में बैठ के थोड़ा रिहर्स कर रहे हैं। चलो एक्शन। अनु तू मुझे इग्नोर कर रही है। मैं क्यों तुझे इग्नोर करूंगी, थोड़ा बिजी चल रही हूँ बस। मुझे तुमसे एक मिनट बात करनी है। मुझे देर हो रही है श्री, हम बाद में कभी मिलते हैं ना। कभी क्या, मुझे अभी तुमसे एक मिनट बात करनी है। तो गाइस हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, सामने बस स्टॉप पे शूट करेंगे और चाय की टपरी पे शूट करेंगे। मुस्कान दी को ऊपर खड़े करने के लिए, उनकी हाइट छोटी है तो ये लगा दिया। हाइट छोटी नहीं है, ऑफ कोर्स कोई भी रहेगा तो मुझे लगा दे। की बंदी तो हाइट छोटी कैसे बोल रहा है ब्रो, गलत बात है। कितना कॉन्फिडेंट हो रहा है, हाइट छोटी नहीं पड़ रही है, जगह छोटा है। कुछ बन रहा है क्या, गरम गरम वड़ा पाव बन रहा है मुस्कान दीदी। कितना कॉल मैसेज किया कोई जवाब नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया। सुरेश भाई रख दिए, मैंने ले लिया है खाना, यहाँ पे रखा है पैकेट, गया स्कूटी से पड़ा हुआ। सूरज भाई स्कूटी लेके आए थे अपना, बच गया अभी मुंह टूटता, और खाना यहाँ पे रख दिया है। बैटरी लो गई, अच्छा लगाना है फिर। अभी तो डायलॉग नहीं है ना, बस का सीन है। चलो सुनो ये पूरा सीन हो गया इधर, दोनों में से कौन सी भी साइड बस, यहाँ भी बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई, बस आई। मुस्कान भाई कैमरा लेके सामने बैठना, मुस्कान चलो बस आएगी ना तो तुम खाली साइड में भाग जाना। वो बस आई, कौन सी साइड पे चलो, मुस्कान चढ़ना मत, बस जाएगी तो तुम पीछे भाग जाना कैमरे से। चलो भाई सब हट जाओ, जल्दी जल्दी बस चले जाओ। अच्छा नहीं रे, बस कट कर दे, मुस्कान आ जाओ। अबे यार ये धुने में डाल दिया। हम तो गाइस हम बस का इंतजार कर रहे, कैमरा सेट करके रखे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं, बस अभी तक आई नहीं है। आई क्या बस? गाइस अब वो घड़ी आ चुकी है जो हम खाना लेके आए हैं, खाने जा रहे हैं। पर यहाँ पे खाना खाएंगे, ये छोटा सा घर है कितना प्यारा सा, और यहाँ पे हमारा सेटअप लगा हुआ है। तो हम 498 में कैसे खाए थे गार्डन में बैठ के, और यहाँ पे इतना मस्त बंगलो के सामने, वाह कैसा लगा हमारे अंकल जी का खाना। अरे मौसी बहुत नमक कड़ा चाचा है, चाचा अच्छा चाय नमक एक्स्ट्रा दिया है, परेशान कर रहे हो भाई। हो गया खा के, खाओ तो क्यों। तो गाइस अभी जो मुस्कान दी का घर दिखाया है गाँव का, तो मुझे आ चुकी है, दिखाता हूँ आपको मैं गाड़ी। गाड़ी भाई लेके आ जाओ, आ जाएगी गाड़ी यहाँ पे। तो घर के पास आ गए, ये है प्यारा सा घर जिधर हम शूट करने वाले हैं। गाइस बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है जो हमने घर दिखाया है, ये है वो हमारी गाड़ी खड़ी जो मैं नीचे लेके गया था।
अब मैं जा रहा हूँ रिसोर्ट पे। तो मैंने मेकअप रिमूव करके दोबारा से मेकअप कर लिया, तो फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अभी मेरे मायके का सीन है, मेरे घर का सीन है, मेरी मम्मी जी भी आ चुकी है। मम्मी जी से मिला है? नहीं अभी नहीं मिला, तैयार हो रही। वो तैयार हो रहे हैं, उनके डॉटर भी आया, जिनकी डॉटर एक कोरियोग्राफर है। बहुत ही स्वीट है, मम्मी डॉटर दोनों बहुत ही स्वीट है। ये है क्या घर, बढ़िया है यार, एकदम गाँव वाला आ गया। फ्रेंड देखो कैसे पॉसिबल है गाड़ी ले जाना, नॉट पॉसिबल, गिर जाएगी गाड़ी। बढ़िया और ये हमारे वेलकम के लिए यहाँ पे बंदा खड़ा। थैंक्स थैंक्स बड़ी। अरे देख रहे थे यो यो अनी सिंह का। तो जो मम्मी जी बनी थी वो आ चुकी है, पकड़ना है उनको। आओ एक मिनट एक मिनट। तो ये रियल मम्मी और वो रियल मम्मी। मराठी बढ़िया आती है। आज हम लोग आने वाले थे इसलिए लाइट नहीं आई, लेकिन फिर भी बिना लाइट के घर के बाहर रहते हो ना फिर। हाँ मस्त दिख रही हो दीदी, ठंडा रहता है। हाँ ठंडा, मट्टी का घर है तो मस्त ठंडा ही रहेगा। मुस्कान दी बहुत अच्छी दिख रही हो अंधेरे में तुम। मैं अच्छी हूँ भाई। जिनका घर था उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चाय बना दी है। निर्भय भाई का घर है। हाउ स्वीट, थैंक यू निर्भय भाई, वही जिनसे हमने आपको शुक्रिया। अफजल भाई शुक्रिया। एक काम करो पहले सबको दो फिर मैं पीती। यहाँ दो दो डॉटर है, एक मेरी रियल डॉटर, एक रियल है और एक रील है। तो गाइस इतना प्यारा टाइम लैप्स के बाद देख रहे हैं यहाँ पे क्या चल रहा था। यहाँ चल रहा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। ये घर का सीन है, बट सारे व्हाइट थे, बट मम्मी बोली एकदम ऐसे टेरी कलर पहनते हैं, तो मैं ये वाला पहन रही हूं, तो सब में व्हाइट फर्क ही कहां दिखेगा, ऐसा लगेगा मैं नहीं हूं। थैंक यू बेटा, बट सब कुछ साफ सुथरा एकदम, घर भी साफ, बाथरूम भी साफ, ऐसा नहीं क्या? साफ ही साफ, नहीं साफ नहीं साफ, अच्छा साफ है अंदर में। देखी मैंने जा रही, क्या है अंदर? चिपकली है भाई, कुछ नहीं होएगा दीदी, उसको भी सुसु आई रहेगी। नहीं कहीं नहीं, अरे वो रही कोने में, मुझे नहीं जाना। गेली गेली जा, एक सीन करके जाऊंगी। मेरे को एहसास हो जाता है, अनु तू आ गई बेटा, चल ना हाथ में तो क्या आ जा, चाय तैयार है। उसके बाद वाला सीन है। नहीं लेकिन आपका मैं कट शॉट ले लूंगा यहीं पे। चलो सजीत भाई माइक। तो गाइस यहाँ पे गुड्डू के लिए पानी गर्म हो रहा है, 3 दिन से पी के पड़ा था, आज निला रहे उसको घर वाले। जागने के लिए इमली खा रहा है वो, ले रहा है पानी से नहला रहे ताकि उसकी जितनी उतर जाए उतर जाए। आवारा दोस्तों में घूमेगा तो पैसे तो घर से ही ले जाएगा ना। और माँ वो अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर रहा है? बेटा वो टट्टी करके दो नहीं पाता है, पढ़ाई कैसे करे? सब बदतमीज है, देख रही है आंटी? बदतमीज नहीं बोलते उसको, गंदा बोलते हैं। आप ना मेरे साथ अगर थोड़ा यहाँ बैठेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि आपको मुँह पे धुआं नहीं आना चाहिए ना, फिर आप थोड़ा आप इस तरह बैठ जाइए, इस तरह बैठ जाइए भाई। पूरा अंधेरा, वाओ पूरा अंधेरा हो गया इधर, और पूरा पूरा अंधेरा हो गया, मतलब सोचो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर। वो लाइट भी आ रही है क्योंकि हमने हमारी लाइट लगाई है शूट के लिए, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बहुत सारे घर है, बट सोचो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं, कैसे इतने अंधेरे में सब रहते। और एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब कहीं अंदर होगा। और मैं थोड़ी देर 5 मिनट यहाँ पर सो भी गई थी आरुष रिसोर्ट में जाके, अपना फोन चार्ज पे लगा के आया सुबह से। अभी हेल्दी मिलाई कुछ खाने, मम्मी इतने सारे फ्रूट्स लाई, पपाया नहीं लाई सॉरी, बनाना पाइनएप्पल पेरू और अंगूर, दो इंग्लिश में बोला दो हिंदी में बोला।
काय बोलता पब्लिक, हे बघताय का आज पूर्ण दिवस शूटिंग करून करून आपले केस अजून वाढवते आणि हा बघा हा झोपलाय आरामात आणि आपले वाई कसं गेम खेळताय काय. आता कसं आहे ना भावा, आता हे घराचं सीन आहे आपला, ठीक आहे. तर लवकरच भेटू आपण पुढच्या एपिसोड मध्ये. ससुर का नाती हमारा फोन लेके काम का बोलता, का बोलता भैया कुछ नहीं बोले, का टुकुर टुकुर देखा था कुछ नहीं बोले, पेंटवा सही कहले अंदर घुसत बाटो कौन वाला ये वाला पिछवा से हां नहीं पी, अरे पीके में वो ऐसे डाला था ना वो वाला सिस्टम. अरे यार अरे ऐसा खींचे पड़े यार पीके देखे कि नहीं. ओके तो गाइस हमारे फाइनल दो सीन्स बचे हैं घर के अंदर के. ये बहुत इमोशनल सीन है और मेरे मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है. माँ अच्छी लग रही है जो बहुत ही बढ़िया एक्टर है और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. आपने बहुत सारे सीरियल्स में सब जगह पे इनको देखा होगा. देखो इनका फेस वैसे ही बहुत फैमिलियर है. तो ये मेरी मम्मी है और बहुत मजा आ रहा है. ये मेरी मम्मी है, बड़ी प्यारी. मुझे सच में नहीं पता था मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, वरना मैं भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाती. तू तो मेरा भाई है ना, क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? भाई तो मैं उस दिन भी था, उस दिन बोलकर देखती जब तूने इतना बड़ा कदम उठाया एक मुसलमान के साथ. अरे आपको तुरंत टोकना है गुड्डू, बस बोलो. मैं वापस लूं? हाँ वापस लूं. आप ले रहे हो वहाँ तक, मतलब यहाँ पे मेरा गुस्सा थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ तो बढ़ेगा क्योंकि बच्चे आपस में लड़े तो माँ थोड़ी. माँ मुझे 10,000 आ गया. माँ भाई 2,000 बढ़ा रहा है. एक्शन. माँ मुझे 8,000 रुपए चाहिए, नया फोन लेना है. तुझे पता है ना घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है, कहाँ से दूंगी तुझे 8,000? क्या बोलती, मुझे पता था माँ तू या हमारे बाकी रिश्तेदार कभी नहीं मानेंगे. और सच तो ये है कि मैं काशिफ के प्यार में थी. पहले तो घर से भाग गई, अब विधवा बनकर घूम रही है. तू जानती भी है मजाक बन चुका हूँ मैं. मजाक तो मैं बन गई हूँ भाई. आई मुझे सच में नहीं पता था, मजाक तो मैं बन गई हूँ भाई. बस कंटिन्यू करो वहां से. यहाँ क्या तो गाइस यहाँ पे वड़ा पाव आ गया है और पूरा भर के. भाई 45 साल वालों के लिए आपके नाश्ता नहीं है. 45 साल के लिए नहीं है, क्यों खा रही हो? गाइस गांव में ये कुत्ता हमारा रखवाली कर रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा है. ये हमारी गाड़ी भी नहीं दिख रही ठीक से. यहाँ चल रहा है अभी तक शूट. भाई वड़ा पाव है गरम गरम. तो गाइस यहाँ पे फाइनली सब वड़ा पाव खा रहे हैं गर्मा गर्म. अभी तक गर्म है, अभी तक गर्म है. हाँ खा लो एक दीदी, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है. और खा रहे हैं आंटी सबको बांट रही. अभी हमारा फाइनल सीन है जो कि थोड़ा सा लेंदी है. ए, वो ऊपर से दो एक बार लाइट. ओके तो दिया था बता. एक पेज का है तो अब तक बर्दाश्त करूँ ये सब. किस किस के ताने सुनूं? जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है. कट चुप हो जा बेटा, मैं पानी लेके आया हूँ तेरे लिए. मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार जिंदगी में मतलब इतनी जल्दी. आपने जितनी भी शॉर्ट फिल्म देखी होगी सबका टाइमिंग देखा होगा, इतनी जल्दी 12 बजे से पहले हमारा शूट खत्म हुआ है, उस चीज की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है. और इतनी दूर जंगल में आके एकदम गांव जैसे एरिया में आके हमने शूट किया है, लेकिन रहने का हर चीज का प्रॉपर बंदोबस्त, प्रॉपर व्यवस्था की यू नो प्रॉपर चेंज करो हर एक चीज. तो हम लोग टैम्बो रिसोर्ट में रुके थे जिसके वजह से सारी सुविधाएं बिल्कुल पॉसिबल हो पाई. बहुत ज्यादा लाउड में आई थिंक सब सो रहे होंगे. तो यस आई रियली वांट टू थैंक टैम्बो रिसोर्ट फॉर हेल्पिंग अस आउट इन दिस जर्नी. वो खालो ये रियल मम्मी एंड ये रियल मम्मी, ये रियल साथ में होना चाहिए. राइट तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी इतना सपोर्ट करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय.